अरे बाप रे, इलाका तो पूरा सुनसान है भाई। भाई 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 दवाखाने जी बोटे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर थोड़े से सिनेमेटिक्स लिए है। अभी ये भूषा करके गांव है, यहाँ पर हम उतर रहे हैं और आपको सब नज़ारे दिखा रहे हैं। आपका ये जो भाई, अरे बाप रे, अगर यहाँ से नीचे गए ना भाई, डायरेक्ट पानी में जाऊँगा मैं सीधा। ये कौन सा ऐसा रास्ता है भाई, एकदम किनारे पर लदा हुआ रास्ता है। गलती से भी यहाँ पर जाना, मतलब ओ बोटिंग भी हो रही है यार अंदर। सही है भाई, ये तो पूरा नर्मदा का बैक वाटर लग रहा है मुझे अभी। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो ना, ये देखिए सब, ये बैक वाटर है, ये सब बैक वाटर है। ये इसे घूम के आता है, वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है। देखिए बीच बीच में छोटी छोटी बोट्स भी दिख रही है। चलो भाई, चलो निकलते आगे। रास्ता हमें याद रखना है। ये वहाँ से ना जाते हुए ये पक्की सड़क लेनी है हमको, ये ध्यान रखना यहाँ से। अरे बाप रे, इलाका तो पूरा सुनसान है भाई। हम तो आ चुके हैं भूषा, इस छोटे से इलाके में, गांव में, नर्मदा के किनारे पर आ चुके हैं हम। क्या बात है, बहुत सही है, सही है यार, बहुत सही व्यवहार है इधर, पॉजिटिव व्यवहार है, पूरा पॉजिटिव। सीधा नीचे जाना है और हम इस तरीके से ये भूषा हमने, लेकिन उसको भूषा क्यों कहते हैं, भूषा यही है क्या, एक और कुछ ये तक मुझे नहीं पता है। लेकिन जैसा कि जानकार ने बताया कि भाई नर्मदा का जो किनारा है वही भूषा है, तो शायद ये भूषा है। चलो देखते हैं। भाई भाई बजरी 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 और पत्थर। ये देखिए दोस्तों, अरे बाप रे, कौन सा भूषा है, ये भूषा है। ओके, तो हम यहाँ पर गाड़ी लगवाए, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है, तो मतलब रुको चलते हैं आगे। दादा एक भूषा है ना, नदी किनारी उतरायला जागा कुठून आहे, नदी किनारी उतरायला जागा कुठून आहे, गाडी जाईल का पुढे, नदी किनारीच पुढे ना, पुढे काही आहे पाण्यासारखं आहे काही आहे ना, दुसरं काय आता त्याच्या पाणीमध्ये, असं आहे का, मग पहिले बरं तिकडे जाऊन येतो पहिले, है ना। चला मग दादा, धन्यवाद। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए ये भाई लोगों ने मस्त आराम से बैठे थे, आपने देखा होगा यार, उनका नर्मदा किनारे पे देखिए कितना पानी है। और यार इनको तो ना मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पर तो पूरे साल भर खेती रहती होंगी यार, यहाँ से अगर मोटर पंप पर लगवा ले यहाँ पर, वाह यार, एक अलग ही ऐसी ऐसी खुशबू आ रही है यार यहाँ पर, ऐसी वाह भीनी भीनी खुशबू आ रही है यार यहाँ पर, मस्त एकदम फ्रेग्रेंस आ रही है, ये इनकी क्रॉप की सुगंध आती है यार। और देखिए ना,
कितना मस्त लग रहा है यहाँ पर। देखते हैं यार अगर बोटिंग का कुछ होगा तो यहाँ पर। ये है क्या बात, ये क्या यार, ये जाता है तक क्या बात है यानी कितनी किलोमीटर पड़ता मैं इकडून साधारणतः कोणतं गाव आहे मग तिकडे एमपी मध्ये? हां सकरदा, सही यार मस्त आहे। हां इकडून शॉर्टकट, बापरे बापरे बापरे, चांगले चांगले। आणि ही बोट काय भाड्याने का मग काय भाडे घेतात बोटवाले? बाराशे? बापरे, मग बाय रोड दूर पडत असेल तिकडं नाही का? रोडाने दूर पडत असेल ना? नाही नाही समजा असं जायचं म्हटलं तर पक्क दूर पडत असेल ना ते फार। बाबा आणि शॉर्टकट आहे मग, क्या बात आहे। जायचे काही परमिट वगैरे काढा लागते का डायरेक्टच? काही टेन्शन नाही ना, बरं बरं बरं। तो दोस्तों देखिए अब हम यहाँ पर भूषा में खड़े हैं और ये जो है भूषा का जो नर्मदा रिवर है। अभी जैसे कि ये जो है ये भाई ने बताया, अभी देखिए जो मोटरसाइकिल से अगर हम जाने की कोशिश करें तो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है उनको। यहाँ से कौन सा तो भी गांव बोला, एमपी का कौन सा गांव बोला दादा? सकरजा, सकरजा नहीं तो मैं ये करना, और नहीं तो फिर यहाँ से हमको बहुत दूर से जाना पड़ता है, कुछ गुजरात वाया जाना पड़ता है। तो ये तो अच्छा है भाई, बोटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया सी बात हो गई। 1500 लेते हैं लेकिन यहाँ से ये ट्रांसपोर्टिंग का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा यार यहाँ से। हाँ ते तिकड़े पण एक बोट दिसते, दवाखान्याची बोट आहे। हाँ हाँ असं आहे का, आता इकडील वाटतं ती ना, असं आहे का, क्या बात आहे। हाँ केवड़िया कॉलनी जाते ना ती, ये बोट केवड़िया कॉलनी जाते है ना? हाँ हाँ आपेश्वर ऑफिस के ही का हो का मग इकडनं ही केव्हा निघते, इकडनं ही केव्हा सुटते? असं आहे का? हा 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 बरोबर। तो दोस्तों शायद आपको यहाँ से नहीं दिखा देता होगा लेकिन ये जो दूर एक छोटी सी ये जो बोट दिख रही है, देखिए 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 मेरे उंगली की तरफ देखिए, तो वो जो बोट दिखाई दे रही है वो मेडिकल बोट है और वो जो है हफ्ते में एक दो बार यहाँ से नर्मदा किनार के गांवों को जाती है। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि भाई जैसे कि ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसके बारे में। तो नर्मदा किनार के जो गांव है वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़, मतलब ये जो पहाड़े हैं गांव है जो उठ चुके हैं और कुछ लोग फिर भी रहते हैं, तो उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक मेडिकल बोट की शुरुआत कर दी है। तो ये जो मेडिकल जो बोट है ये किनारे किनारों पर से ये केवड़िया कॉलोनी तक जाती है, तो ऐसी इनकी सर्विस चलती है दोस्तों ताकि इमरजेंसी में उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सके। बहुत ही बेहतरीन सा ऐसा नज़र है दोस्तों। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि ये केवड़िया कॉलोनी की तरफ, मतलब यहाँ से गुजरात एकदम गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों नज़दीकी पड़ता है, तो उधर की तरफ जो है तो वहाँ पर ये जो नर्मदा का जो बैक वाटर है, ये बैक वाटर में दोस्तों यहाँ पर जो है तो बहुत सारी जो है मगरमच्छ यहाँ पर है,
तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है यहाँ पर। ये जलपर्णी यहाँ पर रुक चुकी है, बहुत ही अलग सी वाइब्स आ रही है दोस्तों यहाँ पर, बहुत मस्त लग रहा है दोस्तों, बहुत बेहतरीन। अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ, शायद हम उन पहाड़ियों से आए हैं, इन पहाड़ियों से इधर नीचे होते हुए आए हैं और फिर ऐसे उतरते हुए यहाँ से हम निकले हैं। ये देखिए ये खुली, मतलब ये जो पहाड़ का जो स्पेस है, इस पहाड़ के स्पेस में ये नर्मदा रिवर का बैक वाटर घुस चुका है दोस्तों पूरे अंदर तक, और वो आगे जाकर बिलगांव तक जाता है दोस्तों। ये जो है ना बैक वाटर बिलगांव तक आ चुका है दोस्तों, ये बहुत ही भयानक सा बैक वाटर है, कभी कभी तो डर लगने लग जाता है दोस्तों। तो यहाँ से सकरजा के लिए भी ये जा सकते हैं, सकरजा या तो फिर अलीराजपुर जो है एमपी में,